सरदार उधम सिंह का नाम भारत की आजादी की लड़ाई में पंजाब के क्रांतिकारी के रूप में दर्ज है। सरदार उधम सिंह का नाम शेर सिंह था। कहा जाता है कि साल 1933 में उन्होंने पासपोर्ट बनवाने के लिए अपना नाम उधम सिंह रख लिया था। आज देश के उसी वीर सपूत शहीद उधम सिंह की पुण्यतिथि है। सरदार उधम सिंह का जन्म 26 दिसंबर 1899 को पंजाब के संगरूर जिले में सुनाम गांव में हुआ था। कम उम्र में ही माता पिता का साया सर से उठ जाने के बाद उन्हें कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा और अनाथालय में शरण लेनी पड़ी, लेकिन 1919 में हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद उन्होंने अपनी पढ़ाई जारी रखने के साथ साथ स्वतंत्रता आंदोलन में कूदने का फैसला किया और अपनी जिंदगी आजादी की जंग के नाम कर दी। आजादी की इस लड़ाई लड़ते लड़ते जब उन्हें 5 साल जेल की सजा हुई तो जेल में ही उनकी मुलाकात शहीद भगत सिंह से हुई। उधम सिंह ने अपना नाम बदला, पासपोर्ट बनवाया और विदेश चले गए और 13 मार्च 1940 को लंदन के कैक्सटन हॉल में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन और रॉयल सेंट्रल एशियन सोसाइटी की एक बैठक चल रही थी, जहां उधम सिंह भी पहुंचे, लेकिन उनका इरादा उस बैठक में शामिल होने का नहीं बल्कि कुछ और ही था। तारीख 13 मार्च 1940 की उस शाम लंदन का कैक्सटन हॉल लोगों से खचाखच भरा हुआ था। मौका था ईस्ट इंडिया एसोसिएशन और रॉयल सेंट्रल एशियन सोसाइटी की एक बैठक का। इस हॉल में बैठे कई भारतीयों में एक ऐसा भी था जिसके ओवरकोट में एक मोटी किताब थी। ये किताब एक खास मकसद के साथ यहाँ पर लाई गई थी। किताब के भीतर के पन्नों को बड़ी ही चालाकी से काटकर इसमें एक रिवॉल्वर रखा गया था और जैसे ही बैठक खत्म हुई सरदार उधम सिंह ने किताब से बंदूक निकाली और माइकल वो डॉयर पर फायर कर दिया। डॉयर को 2 गोलियां लगी और उसकी वहीं पर मौत हो गई। हॉल में भगदड़ मच गई, लेकिन इस भारतीय ने भागने की कोशिश नहीं की, उसे गिरफ्तार कर लिया गया। ब्रिटेन में ही उस पर मुकदमा चला और 31 जुलाई 1940 को उसे फांसी हो गई। इस गोलीकांड का बीच एक दूसरे गोलीकांड से पड़ा था। ये गोलीकांड 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के अमृतसर के जलियांवाला बाग में हुआ था। इस दिन अंग्रेज जनरल रेजिनॉल्ड एडवर्ड हेरी डॉयर के हुक्म पर इस बाग में इकट्ठा हुए हजारों लोगों पर गोलियों की बारिश कर दी गई थी। बाद में ब्रिटिश सरकार ने जो आंकड़े जारी किए थे उनके मुताबिक इस घटना में 370 लोग मारे गए थे और 1200 से ज्यादा घायल हुए थे। हालांकि इस आंकड़े को गलत बताते हुए बहुत से लोग मानते हैं कि जनरल डायर की अति ने कम से कम 1000 लोगों की जान ली थी। डायर के पास तब पंजाब के गवर्नर का पद था और इस अधिकारी ने जनरल डायर की कार्रवाई का समर्थन किया था। इतिहास के पन्नों में जिक्र मिलता है कि उधम सिंह भी उसी दिन जलियांवाला बाग में मौजूद थे। उन्होंने तभी ठान लिया था कि इस नरसंहार का बदला लेना है। उधम सिंह भगत सिंह से बहुत प्रभावित थे, दोनों दोस्त भी थे। एक चिट्ठी में उन्होंने भगत सिंह का जिक्र अपने प्यारे दोस्त की तरह किया है। भगत सिंह से उनकी मुलाकात लाहौर जेल में हुई थी। इन दोनों क्रांतिकारियों की कहानी में बहुत दिलचस्प समानताएं दिखती हैं। दोनों का ताल्लुक पंजाब से था, दोनों नास्तिक थे, दोनों हिंदू मुस्लिम एकता के पैरोकार थे। दोनों की जिंदगी की दिशा तय करने में जलियांवाला बाग कांड बहुत बड़ी भूमिका रही है। दोनों को लगभग एक जैसे मामले में सजा हुई है। भगत सिंह की तरह उधम सिंह ने भी फांसी से पहले कोई धार्मिक ग्रंथ पढ़ने से इनकार कर दिया था। देश के बाहर फांसी पाने वाले उधम सिंह दूसरे क्रांतिकारी थे। उनसे पहले मदन लाल ठिंगरा को करजन वायली की हत्या के लिए साल 1909 में फांसी दी गई थी। संयोग देखिए कि 31 जुलाई को ही उधम सिंह को फांसी हुई थी और 1974 में इसी तारीख को ब्रिटेन ने इस क्रांतिकारी के अवशेष भारत को सौंपे। उधम सिंह की अस्थियां सम्मान के साथ उनके गांव लाई गई, जहां आज उनकी समाधि बनी हुई है। खबर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन का बटन दबाइए पीडीएफ न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।